हमारी जिंदगी में बेलअमूम वो लोग जो तकदीर प्रस्त होते हैं, मुकद्दर प्रस्त होते हैं, तकदीर का लिखा कबूल कर लेते हैं, मेहनत जिद्दोजहद कोशिश नहीं करते, उनमें जो जज्बा नहीं होता आगे बढ़ने का, वो कहते हैं जो कुछ मुकद्दर में लिखा है वही है। अगर आप मुताला करें रोजमर्रा जिंदगी में ऐसे लोगों का, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की जिंदगी चार चीजों से भरी होती है। एक उनके अंदर होती है एंग्जाइटी, अफसुर्दगी। हर लहजा आप देखेंगे वो अफसुर्दा रहेंगे, परेशान उनको नजर आएंगे, आपको तश्वीश में नजर आएंगे। दूसरी चीज उनके अंदर होगी सैडनेस, गमनाक नजर आएंगे, गमजदा होंगे, दुखी होंगे, खुशियां नहीं उनके पास होंगी। और तीसरा अनहैप्पीनेस, हर हालत में ना खुशी होगी, शादमानी नहीं होगी, परेशानियों दुखों मसाए में रहेंगे। और चौथी चीज जो मुकद्दर प्रस्त लोग होते हैं उनके अंदर जो चौथी चीज आपने हर जगह देखी है और आप देखते रहते हैं और परेशान होते हैं ये कैसे लोग हैं, वो होती है सिनिसिज्म, होपलेसनेस, मायूसियत, यासियत। उनका नुक्ता नजर जो होता है जिंदगी के हर मामले में वो मायूस होते हैं, यासियत का शिकार होते हैं, हेल्पलेसनेस होते हैं उनके अंदर, यासियत, मायूसियत, महरूमियत होती है। इसलिए वो इस दुनिया के तकाजों जरूरियात को पूरा नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के ऐन मुताबिक जिंदगी गुजार कर जिंदगी में कामयाबियां हासिल नहीं कर सकते। इसलिए तकदीर पर यकीन तो रखना है, मगर हर हालत में आखिरी हद तक मेहनत, मुशक्कत, कोशिश, जिद्दोजहद को अपना शियार बनाना है, ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें।